आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ हो या तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आज का ब्लॉग। सो गाइस प्लीज डोंट स्किप, वॉच टिल द एंड। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब ऑलवेज मैं अपना हैंड बैग मतलब पर्स कैरी करती हूँ। तो पर्स में अगर हम लोग लड़कियाँ ज्यादातर क्या रखते हैं, मेकअप का सामान। लेकिन बहुत टाइम होता है कि हम अपना बहुत यूजफुल सामान कैरी करना भूल जाते हैं। लेकिन वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं जब बाहर जाती हूँ अपना हैंड बैग लेके, तो मैं उसमें क्या क्या कैरी करती हूँ एज ए एसेंशियल किट। तो ये है मेरा बैग, ये लेवी का एक बैग है, ये अच्छा खासा बड़ा साइज का ही है। तो ये बैग में एक बड़ा पॉकेट है और अंदर एक मैं दिखाती हूँ, एक ऐसा पॉकेट भी है और दो छोटे छोटे पॉकेट भी है इधर, देख पा रहे हो आप। तो समर का सीजन आ गया है, ठीक है, तो अभी आप सनग्लास के अलावा बाहर नहीं जा सकते हो। तो हमेशा अपने हैंड बैग में ट्राई करना कि एक सनग्लास आप कैरी करो। मैं कैरी कर रही हूँ ये सनग्लास जो कि टाइटन का है, ये हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से। ठीक है, सम्मान मैं अपने इमरजेंसी किट में हैंड बैग में कैरी करती हूँ, वही मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये बैग में डाल दी जाऊंगी। टिश्यू, समर हो या विंटर, वेट टिश्यू सबको जरूरी होता है। बिकॉज जब आप बाहर निकलते हो आपका फेस जो है डर्टी हो सकता है बाहर की धूल मिट्टी से। सो आप क्या हमेशा तो मुंह धो नहीं सकते हो, सो क्या कर सकते हो, ये टिश्यू से आराम से अपना फेस को आप क्लीन कर सकते हो। द फोर्थ वन इज माई वॉलेट, ये मैं कभी मेरा हर कार्ड एंड ऑल रहता है, लाइक जो भी है मेरा डेबिट कार्ड एंड कार्ड्स लाइक आधार कार्ड, जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होता है लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड ऑल द क्रेडिट कार्ड, सब मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं ये पासपोर्ट साइज फोटो भी रहता है, अगर कोई ऐसे तो पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा तो जरूरी नहीं होता है, मतलब आप कोई फ्रेंड के पास जा रहे हो या कोई घूमने जा रहे हो इतना जरूरत नहीं होता है, बट फिर भी रखना चाहिए, कब क्या जरूरत आ जाए हम बता नहीं सकते। तो इसमें ये रबर बैंड कैरी करना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज खुला रख के जा रहे हो अपना, तो आप कभी भी इसको आराम से एक टॉप नॉट कर ले सकते हो गर्मियों के टाइम में, या अपने बाल को आप बांध सकते हो रबर बैंड से। सो ये कैरी करना बहुत जरूरी है। ये है फेस टिश्यू, ये मेरे पास ऐसे ही पेयर में आता है, मैं खरीदती हूँ। तो इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा पैकेट लेके क्यों बैठती हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बैठी हूँ और कुछ नहीं, मैं इसमें से एक निकाल के हमेशा कैरी करती हूँ। अब मैं दिखाऊंगी जो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एसेंशियल है, आई डोंट नो आप लिए है कि नहीं, बट आप लोग को भी कैरी करना चाहिए अपनी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा हाई माइनस पावर है और मैं लेंस यूज करती हूँ, तो मुझे कभी कभी लेंस निकालना पड़ता है और अपनी आंख को सूट करने के लिए या थोड़ा सा आराम देने के लिए मुझे ये रिफ्रेश टीयर्स डॉक्टर ने यूज करने के लिए बोला है। ये तो बहुत ही अच्छा एक ड्रॉप है, जिसे आप अगर बहुत देर तक काम करते हो लैपटॉप में या फोन देखते हो या फोन में कुछ काम करते हो, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार लगा के। सो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ अपने साथ टिश्यू पेपर कैरी करने के लिए, बिकॉज अगर मैं ये बाहर जा रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पे जाके टिश्यू पेपर नहीं मिला तो मैं अपने साथ अगर रखूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं अपना मेकअप का सामान कैरी करूँ या ना करूँ, बट मैं ये दो चीज नहीं भूलती, जो कि है मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मेरा, और मेकअप में मैं हमेशा कैरी करती हूँ ये लिपस्टिक, जो कि मुझे बहुत ही जरूरत पड़ता है लिप बम के साथ लगाने के लिए, ये भी मैं डाल रही हूँ। और जो चीज़ हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो है हमारा एडेप्टर या तो चार्जर, मतलब ये भूल गए तो सब गया, अपना फोन आप चार्ज कैसे करोगे। तो कभी भी आप कुछ भी भूलो ये मत भूलना अपना एसेंशियल किट में कैरी करना अपना चार्जर। अपनी हैंडबैग में ऐसा एक छोटा सा पाउच कैरी करती हूँ, जिसमें मैं छोटा छोटा जो मेडिकल का सामान होता है लाइक टैबलेट हो गया, ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप वगैरह, ये सब मैं कैरी करती हूँ। मैं जो मेरा रिफ्रेश इसमें ही रखती हूँ,
और अब मैं दिखाऊंगी आपको क्या और इम्पोर्टेंट चीज कैरी करना चाहिए अपने एसेंशियल किट में, वो है बैंडेड। अगर आपको कोई चोट लग गया तो सबसे ज्यादा काम यही आता है। तो ये और एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि हमेशा अपने एसेंशियल किट में कैरी करना, जो भी है एक गॉज एंड एक टेप। ये बहुत काम आने वाला है अगर आपको कोई बड़ा चोट आ जाए, भगवान ना करे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आई हैड एक्सपीरियंस, मतलब मैं मुझे क्रॉनिक एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे हमेशा कोई एसिडिटी का दवाई या तो पुदीना या लिक्विड कैरी करना पड़ता है, तो मैं वो भी कैरी करूँ। मैं इतना एसिडिटी की दवाई में बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब दवाई ज़्यादा लेना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यही कैरी कर लेती हूँ। और एक चीज़ है जो कि है ये विक्स वेपोरब। अगर आपको सर दर्द हुआ या कुछ हुआ तो मैं बोलूँगी ज़्यादा आप लोग पेन किलर नहीं लेना, अवॉइड करना पेन किलर, उससे ज़्यादा ये अच्छा है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को काम आ सकता है, वो सेफ्टी पिन। हमेशा अपना फ़ोन तो कैरी करना ही चाहिए, उसके साथ कैरी करना चाहिए ये ईयरफोन, बिकॉज इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा टाइम नहीं पास होता अगर मैं कोई बस में ट्रैवल कर रही हूँ या ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ। हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है जो कि है ये सैनिटरी पैड। पीरियड कभी भी आ सकता है भाई, तो ये कभी मत भूलना, नहीं तो आपको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो गाइज आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरे ब्लॉग देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय।